बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन ब्लॉग्स विद हुमैरा नूर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल है बहुत ही मज़े मज़े के फलों का मौसम, तो मैंने यही सोचा कि आपके लिए बनाऊँ इन्हीं फलों से फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही मज़े की चना फ्रूट चाट। ये जो है चंद चीज़ों से बनेगी। और चीज़ें क्या होगी अभी आपको मैं दिखाते हैं। सबसे बनाते हैं पहले इमली की चटनी। आपने लेना है आपका पानी, उसमें पंद्रह ग्राम इमली डालें, दो चम्मच डाल दें चीनी, हाफ टी स्पून काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। फिर आपने इसको चम्मच इस तरीके से चलाना है और ठीक होने तक आपने इसको पकाते जाना है। उसके बाद आपने इसको करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद आपने इसे करना है ग्राइंड। तो आपके पास बहुत ही मज़े का चटपटा सा इमली का सॉस तैयार होगा। उसके साथ साथ आपने एक और काम करना है। वो काम करना है मुख्तलिफ़ किस्म के फल लेने हैं, इनको हसबे मंशा काट लेना। मैंने एक एक प्याली ली थी जिसके अंदर आप देख सकते हैं केले हैं, उसके बाद सेब हैं, उसके बाद अनार हैं, अंगूर हैं, आम हैं, उसके साथ चने जो थे वो मैंने बॉयल किए थे एक प्याली के करीब। चार मसाला लिया था बाज़ार से, उसके बाद इमली का बनाया था पल्प और उसके साथ साथ था आम का भी पल्प। तो आम आपने हाफ लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, ग्राइंड करना है। तो ये पल्प आपके पास जो है वो बहुत ही अच्छा मज़े का मीठा सा मौजूद होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपने हसबे मंशा ले लेनी है। मैंने तकरीबन एक एक प्याली के करीब ली थी। आप इनकी तादाद जो है यानी मकदार जो है कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपने बनाना है बहुत ही मज़े के फलों के साथ, मज़े की एक चीज़। तो इसके साथ साथ एक और काम भी कर दें। वो काम ये है कि आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो आइए फिर इसको बनाते हैं। आपने सबसे पहले लेना है कोई सा भी बर्तन, उसके अंदर आप डाल दें केले जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। इसके साथ आपने इसके ऊपर इजाफा कर देना है सेब का, अनार डालें। इसके साथ आपने इसमें अंगूर जो हैं वो भी इसी तरह फैला देने हैं। उसके बाद आपने आम का पल्प जो है इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा मिक्स करना है। थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है चाट मसाला, हल्दी मसाले मैंने तकरीबन लिया था दो चम्मच के करीब। उसके बाद आपने इसके ऊपर ऐड करना है आम का, उसके साथ आपने डाल देने हैं वाइट चने जो मैंने आपसे पहले कहा था कि मैंने बॉयल करके रखे थे। उसके साथ साथ आपने इसके ऊपर इजाफा करना है चाट मसाला का, उसका इजाफा करना है। और फिर आपने इसके ऊपर वो जो इमली का पल्प था यानी हमने बनाया था शुरू में इमली की चटनी, वो इसके ऊपर डाली है। तो ये बहुत ही मज़े की चटपटी सी खट्टी मीठी सी फ्रूट चाट है आपके पास मौजूद होगी। फिर आपने इस सब को करना है अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करने के बाद अगर आपको फ़ौरन खाने का दिल करता है तो ज़रूर खाएं, नहीं तो इसको आप फ्रिज में रखें, इसको चिल करें। उसके बाद आप जब इसको खाएंगे तो इसका मज़ा जो है वो हो जाएगा बहुत सा दोबारा। तो आपने देखा ये बहुत ही चंद चीज़ों से बहुत ही सादा अंदाज में और लेकिन बहुत ही मज़े की जो है एक मैंने आपके लिए चीज़ बनाई। तो ये आज ही आप इसके अंदर जो है ये बनाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक जो है, इसको मैंने पुदीने के पत्तों से थोड़ा सा सजा दिया था मज़ीद। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं आप ज़रूर डालें, नहीं तो आप इन्हें रहने दें। उसके बाद आपने ये करना है कि डिफरेंट किस्म के जो दूसरे फल मौजूद हैं वो भी आप इसके अंदर इजाफा कर सकते हैं। तो ना सिर्फ देखने में ये खुशनुमा है बल्कि खाने में भी ये बहुत ही मज़े की खुशबूदार जो है ठंडी मीठी खट्टी सी फ्रूट और इसके अंदर जो चने डाले थे वो आपके सामने एक बहुत ही मज़े की चना फ्रूट चाट की शुरू में मौजूद है। तो आइए इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमी, ये बहुत ही मज़े की है। इतने मज़े की है इसके अंदर जो एक खुशबू है इसकी चाट मसाले की, उसके बाद ये फलों का जो अपन टेस्ट है, इसके साथ साथ खट्टी मीठी सी जो इमली है वो, और इस ख़ास तौर पर जो है ये जब ठंडा होने के बाद जो है आपको एक बहुत ही मज़े की फीलिंग जो है ना वो दे रही है। तो आपने इसको आज ही बनाना है, उसके बाद आपने रखना है अपना बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।